बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि हम सब लोग बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं, हम सब लोग मिलेनियर बनना चाहते हैं, बिलेनियर बनना चाहते हैं, लेकिन हम में से सिर्फ 2% लोग ही अमीर बन पाते हैं या बिलेनियर बन पाते हैं या मिलेनियर बन पाते हैं, और 98% लोग अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो 98% लोग नहीं करते हैं और सिर्फ वो 2% लोग ही कर पाते हैं? जो लोग 98% वाली कैटेगरी में आते हैं, वो लोग हर उस चीज़ के बारे में सोचते हैं जिसकी वजह से वे अमीर नहीं बन सकते हैं, जिसकी वजह से वह अपनी गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा, इस काम को करने में बहुत मेहनत लगेगी, इस काम को करने में बहुत समय लगेगा, मेरे पास तो रिसोर्सेस नहीं हैं, वे इस चीज़ के बारे में सोचेंगे। 98% लोग इसी तरह से सोचते हैं, लेकिन जो लोग 2% वाले कैटेगरी में आते हैं, वे लोग सबसे ज़्यादा ये सोचते हैं कि हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। वे ये नहीं सोचते कि हमारे पास रिसोर्सेस है या नहीं है, वे ये नहीं सोचते कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे या क्या सोचेंगे, उन्हें फेलियर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे सोचते हैं कि हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। क्या आप किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हो या किसी भी गोल को अचीव करने में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि आपके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, तो उन 2% लोगों की तरह सोचना शुरू कीजिए। आप उस काम को कैसे कर सकते हैं सोचिए और अपने दिमाग में एक प्लान बनाना शुरू कीजिए। लेकिन आपने आज तक ऐसा किया ही नहीं, इसलिए आपकी प्रोग्रेस भी नहीं हुई। आपको लगता है कोई आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई दूसरा व्यक्ति आपसे ज़्यादा अच्छा दिखता है, या दूसरा व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा लक्की है, या उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर आप स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कोई व्यक्ति चाहे आपसे ज़्यादा बोलता है या ज़्यादा अच्छा दिखता है या ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर आप और वो बिल्कुल सेम है। आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि उस व्यक्ति को अपने स्पिरिचुअल पावर को अच्छे से यूज करना आता है और आपको उन पावर्स का यूज़ करना नहीं आता, या आप नहीं कर पा रहे हैं, आप उन पावर्स को अपने खिलाफ यूज़ करते हैं। आपको अगर अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना है तो सबसे पहले ये समझिए कि आपके पास बहुत सारी पावर्स है, आपके पास एक बहुत हाई वाइब्रेशन है, लेकिन आप हर नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, आप कभी भी पॉजिटिव साइड जाने की कोशिश नहीं करते, और अगर करते भी हो तो उसके थोड़े देर बाद ही आप दोबारा से नेगेटिव ट्रैक पर आ जाते हो। आपको इस पर ध्यान देना होगा। ये सोचिए कि आप कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहते हैं, लोग कहते रहेंगे, लेकिन आपको अपनी पॉजिटिविटी, अपनी मेहनत को और अपने एक्शंस को बंद नहीं करना है, तभी आप इन 2% कैटेगरी के लोगों में आ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को ज़रूर दबाएँ, ताकि इसी तरह की लाइफ से रिलेटेड वीडियो आप सबसे पहले इस चैनल पर पा सके। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।